नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है पर्यटन विकास से संबंधित, अतुल भारत 2.0 अभियान को भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कि किस संदर्भ में इस आर्टिकल को भी लिखा गया है और महामारी से पूर्व भारत में पर्यटन की स्थिति क्या थी, उसे भी बात देखेंगे हम लोग। पर्यटन उद्योग की महत्व क्या है उसे भी देखेंगे। अतुल भारत 2.0 अभियान की भूमिका क्या है रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। अतुल भारत अभियान क्या है उसे भी देखेंगे। पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है उसे भी देखेंगे। महामारी से पूर्व पर्यटन के विकास हेतु प्रयास क्या रहे हैं और महामारी के विकास बाद पर्यटन के विकास में संभावित प्रयास क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक पर्यटन जो है ये भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। कई देश आपके ऐसे हैं जो पर्यटन पर ही निर्भर रहते हैं, समझ रहे हैं? तो आप सोचिए कि आपके यहाँ पर्यटक आते हैं तो उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। आप होटलें चलती हैं आपकी, वहां भी देखते हैं काम करने वाले मजदूर रहते हैं, उनका भी घर चलता है। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग ही कह सकते हैं आप लोग पर्यटन को। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। वैश्विक महामारी यानी कि COVID-19, आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ चौपट हो चुका है, पर्यटन तो पूरी तरह से रुक ही चुके हैं। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो इससे प्रभावित ना हो ना हुआ हो। और आप सभी जान रहे हैं कि पर्यटन तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि वो तो इसी पर निर्भर था और पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि उसके लिए तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना ही बेहतर रहता था। जा रहे हैं कहीं रोक टोक ना हो, आदमी तभी तो उस जगह जाएगा, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि सब कुछ बंद हो चुका है। इन क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और अतिथि क्षेत्र सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस महामारी के चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के प्रतिबंध होने से पर्यटन उद्योग को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कितना? हजारों करोड़ रुपए। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इस सबसे बुरे संकट में से एक करार दिया इस स्थिति को, अभी वर्तमान में जो स्थिति है। इसके अनुसार यह संकट तेजी से विकास कर रहे भारतीय पर्यटन उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इससे न केवल घरेलू पर्यटक उद्योग बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हुआ है। याद रहे कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक में हमारे 2019 में हमारे भारत की स्थिति 34वें स्थान पर थी। कितने? 34वें स्थान पर। 140 देशों में भारत का नंबर 34वां था, ठीक ही कह सकते हैं आप लोग। याद रहे कि भारत में कश्मीर ने से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिषता और संस्कृति है। ये क्षेत्र अपना ठंड और गर्म, रेगिस्तान, लद्दाख, राजस्थान, नदियों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वन, नीलगिरी और उत्तर पूर्व द्वीपों, अंडमान निकोबार, पर्वत पठारों आदि प्राकृतिक विशेषताओं से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। साथ ही यहाँ के परिदृश्य में पाई जाने वाली व्यापक विविधता और सांस्कृतिक विरासत विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। ऐसे में इस क्षेत्र की पुनः संचालन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे किसी महामारी के बाद भी स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी अनुपालन सुनिश्चित किए जा सके। एक बात तो आप लोग हमेशा समझ लीजिए कि कोरोना की वजह से बहुत कुछ समाज में बदलाव भी आ चुका है। आप लोग इसे देख रहे होंगे, हाथ धोना, मास्क लगाना, प्रदूषण का कम हुआ है, वायु प्रदूषण को आप देख रहे हैं, स्थिति काफी हद तक आप देख रहे हैं नदियों का हाल क्या था, क्या हो चुका है। तो काफी हद तक बदलाव भी हमें देखने को मिल रहा है, हमारी दैनिक जीवनचर्या में भी बदलाव देखने को आपको मिल रहा होगा। महामारी से पूर्व भारत में पर्यटन की स्थिति क्या थी उसे देखिए। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में वर्ष 2022 तक प्रत्येक नागरिक से देश के 15 पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने का आह्वान किया था। यानी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था स्वतंत्रता दिवस पर 2019 में, तो
उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक अलग अलग 15 पर्यटक स्थलों का भ्रमण करे, जिससे क्या होगा कि चर्चा में भी आते हैं और इससे आपका पर्यटक स्थल भी विकसित होते हैं, जब आए होगी तो विकसित होंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाना था। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान मिला। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले 7 वर्षों यानी कि 2011 से 2017 के प्रदर्शन पर अवलोकन किया गया था। इस रिपोर्ट के आपके 4 मुख्य आधार थे, कौन कौन से? सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यय, घरेलू पर्यटन व्यय और पूंजी निवेश। इन 4 आधारों को लेकर इस रिपोर्ट को लाया गया था। वर्ष 2017 में पर्यटन से भारत ने लगभग आपके 23 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया था। कितना? 23 अरब अमेरिकी डॉलर, जिसे वर्ष 2023 तक 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया था। यह फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 7% रहा। कितना? 7%। वर्ष 2019 में यात्रा, पर्यटन और अतिथि क्षेत्र से ने सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% का योगदान दिया और 5.9% का निवेश प्राप्त किया। पर्यटन उद्योग की महत्ता क्या है? वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करता है, साथ ही अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में हमारी मदद भी करता है। इसके महत्व का अनुमान केवल इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि विश्व भर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 1950 में 2.5 करोड़ थी, यानी कि 2.5 करोड़ थी, जबकि 2018 में बढ़कर 125 करोड़ हो गई। कितनी? यानी कि हमारे देश के जनसंख्या की बराबरी लगभग आपकी पर्यटकों की संख्या हो चुकी है, जो 2019 में कितनी 1950 में कितनी थी? 2.5 करोड़, उसके बाद 125 करोड़ हो गई। आंकड़ों की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.27 करोड़ यानी कि 4.27 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। फिक्की की तरफ से जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत को ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो लोग आएंगे तो उनके टैक्सी के लिए, बसों के लिए व्यवस्था तो होगी, उसमें भी तो रोजगार मिलेगा। एक क्षेत्र हम बात कर चुके हैं कि जो आपके होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, वहां रुकने की व्यवस्था में भी लोगों को नौकरियां मिलती रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक प्रति वर्ष इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान था। वर्ष 2019 के अंत तक भारत में इस क्षेत्र का कारोबार बढ़कर 35.40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2018 में 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, यानी कि दोगुना हो गया। 18 में आपका 17 था, 19 में आपका 35.40 करोड़, 35.40 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में हुई प्रगति के बाद से कुछ वर्षों के भीतर ही आतिथ्य क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिए भी रोजगार तमाम अवसर सृजित होते हैं। विदित है कि वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दुगनी संख्याओं में महिलाएं कार्यरत हैं। इस दृष्टि में पर्यटन क्षेत्र समाज में समानता और सामाजिक न्याय को समर्थन देने का भी माध्यम रहा है। आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरे से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। नतीजतन भारत के लिए नई संभावनाओं व अवसरों को द्वार खुला है। इसे भी देख लीजिए, अतुल भारत 2.0 अभियान की भूमिका क्या है। पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न गंतव्यों पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अतुल भारत 2.0 अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य विशिष्ट प्रचार योजनाओं के माध्यम से विरासत स्थलों की प्रसिद्धि का प्रचार प्रसार करना है। इसमें पर्यटन की आध्यात्मिकता, चिकित्सा और योग विद्या शामिल है।
एक बात आप लोग जानते हैं, कोई पर्यटक क्यों आएगा? जब आपको किसी देश के बारे में मालूम नहीं होगा, वहां की जगह, जैसे किसी विदेशी को मालूम ना हो कि हमारे यहाँ ताजमहल है, आगरा का किला है, इस तरह की स्थल हैं जो हमें घूमने लायक है, अब इनके बारे में मालूम ही ना हो तो वो किस लिए आएगा? तो क्या करती है सरकार की इनका प्रचार करवाती है कि लोग देखें, देखने आए, उन्हें मालूम चले कि आप लोग इसीलिए तो जाते हैं कि अरे ताजमहल कैसा बनाया गया है, देखने जाते हैं, मन में एक लालसा रहती है। तो यही सरकार ने काम किया अतुल भारत 2.0 अभियान के तहत। अतुल भारत 2.0 अभियान डिजिटल और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर बाजार आधारित प्रचार योजनाओं और उत्पादन विशिष्टता के आधार पर संरचनात्मकता में हो रहे सामरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। यानी कि जो आपका डिजिटल माध्यम है, सोशल मीडिया है, इसी का सहारा लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी को आजकल आप लोग सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई एक्टिव है। इस अभियान के तहत के द्वारा पर्यटक सुविधाएं विकसित करने के लिए सार्वजनिक और निजी कंपनियों को उत्तरदायित्व दिया गया। अतुल्य भारत अभियान, इसके बारे में भी जान लीजिए। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर उभारना है। भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल भारत के नाम से इस नए अभियान को शुरू किया था। इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग, आयुर्वेद की ओर अंतरराष्ट्रीय समूह का ध्यान आकर्षित किया गया। वास्तव में इस अभियान से देश के पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुले। देश की पर्यटन क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला यह इस प्रकार का पहला प्रयास था। अब बात करते हैं हम लोग पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियां आखिर क्या है। अभी भारत सरकार द्वारा पर्यटकों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सुविधाओं के बावजूद अच्छी तरह से विकसित पर्यटन प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। इन्हें हम दो स्थितियां देखते हैं, वैश्विक महामारी से पूर्व की और वैश्विक महामारी के बाद के आधार पर समझ सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं चुनौतियां वैश्विक महामारी यानी कि कोरोना वायरस के पहले कुछ और थी हमारे सामने, लेकिन उसके बाद कुछ और समस्याएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक महामारी से पूर्व क्या समस्याएं थी, चुनौतियां थी हमारे सामने। बुनियादी ढांचे का अभाव भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना, होटल, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि काफी हद तक भारत में विकसित होने की अवस्था में। इस उदासीनता का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन था, यानी कि बुनियादी ढांचे में अभाव देखा जाता था। देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में फैली गंदगी एक अन्य समस्या थी, ये आप देखते रहते होंगे। मुझे सबसे अच्छा काम लगा मोदी सरकार का एक ही काम, बाकी काम सही है लेकिन सबसे बढ़िया मैं बोल रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान, कि जिस तरह मोदी सरकार ने लोगों को जोड़ा है इससे, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना स्वच्छ हो चुकी है सब स्थिति। इसमें अगर आम जनता ना जुड़ती तो शायद इतना बेहतर ना हो पाता। बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के पर्यटक सिर्फ इसलिए भारत आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर्याप्त स्वच्छता का अभाव रहता है। पर्यटकों की सुरक्षा, विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की, पर्यटन विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा रही है। विदेशी नागरिकों पर, विशेष रूप से महिलाओं पर हमले, दूर दराज के देशों के पर्यटकों के स्वागत के लिए भारत की क्षमता पर कुछ सवाल उठाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति तभी तो जाएगा दूसरे देश में घूमने के लिए जबकि उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तो ये भी आपको देखने मिला है कई जगह कि विदेशी पर्यटकों के साथ इस तरह के हमले भी हुए हैं उन पर। देश के अधिकांश पर्यटक स्थलों तक आज भी गरीब महिला बुजुर्ग भी पहुंच नहीं है। ऐसा यात्रा की उच्च लागत, खराब कनेक्टिविटी और विभिन्न स्थलों पर आवश्यक अनुमतियों की एक श्रृंखला के कारण होता है। अब आपके वैश्विक महामारी के बाद क्या प्रॉब्लम है उन्हें देखिए। वैश्विक महामारी के बाद पर्यटक के रूप में भारत को प्राप्त होने वाले विशुद्ध विदेशी मुद्रा में कमी आई है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो विदेशी आएंगे ही नहीं पर्यटक, तो कहाँ से हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की
आएगी, ठीक है, इसी कारण कमी देखी गई है। एक उद्योग के रूप में यात्रा, पर्यटन और अतिथि क्षेत्र को अब स्थापित होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्थिति होने में काफी टाइम लगेगा आपका। यात्रा, पर्यटन और अतिथि आधारित राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इनमें आपका गोवा, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल है। चूंकि COVID-19 एक संचारी रोग है जो मानव से मानव में संपर्क के द्वारा एक दूसरे में फैलता है, अतः पर्यटन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में मैंने बताया ना कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल काम नहीं करती है। कैसे लोग पर्यटन करेंगे? आप ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि एक आदमी जाइए पहले ताजमहल के दर्शन करके आइए, फिर दूसरा व्यक्ति जाइए, ये संभव नहीं है ना, आप समझ रहे हैं ना। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक पर्यटन के दौरान विभिन्न होटलों, धर्मशालाओं और जैसे स्थानों पर विश्राम करते हैं। वैश्विक महामारी के बाद इन विश्राम स्थलों में ठहरना सुरक्षित नहीं है। पर्यटन के दौरान सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग हानिकारक साबित हो सकता है। इस महामारी से जूझ रहे राज्य पर्यटन को लेकर नकारात्मक रूप प्रदर्शन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये थी आपकी चिंताएं। अब बात करते हैं महामारी से पूर्व पर्यटन के विकास हेतु क्या प्रयास हुए हैं। देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना, विरासत स्थलों के विकास हेतु हृदय योजना तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रसाद योजना लाई गई। ये सभी आपकी महामारी से पहले की बात है। इसलिए इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोप वे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया। विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने पर बल देते हुए सरकार ने 166 देशों के लिए ई वीजा व्यवस्था की शुरुआत की। विदित है कि इसकी अगली कड़ी के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ई वीजा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया गया। सरकार ने कुछ समय पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विदेशियों को पहुंचने के लिए 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। सरकार ने मुख्य पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर भी बहुत ध्यान दिया है। स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना दो नई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई जो देश में पर्यटन से जुड़ी आधारभूत अवसंरचना विकसित करेंगी। धरोहर गोद लो योजना के द्वारा एक विरासत स्थल को कॉरपोरेट जगत द्वारा गोद लिया गया। इसका उद्देश्य लोगों में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने करके उन्हें इनसे जोड़ना है। इसके अतिरिक्त अतुल भारत 2.0 अभियान यात्रा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में गति देने में सहायक होगा। अब बात करते हैं महामारी के बाद पर्यटन के विकास में संभावित प्रयास। इस महामारी के बाद सरकार को स्वच्छता के विषय पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भारतीय विरासत स्थलों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। सरकार को पर्यटन उद्योग को पुनर्स्थापित करने के लिए घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करना होगा। आप समझ सकते हैं, जब तभी बाहरी लोग आएंगे जब घर के लोग यानी कि हमारे देश के लोग घूमने के लिए जाने लगेंगे। इस आधार असाधारण परिस्थिति में असाधारण उपायों की आवश्यकता है। यात्रा, पर्यटन और अतिथि क्षेत्र में व्यापक नवाचार लाने की जरूरत है। पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना को विकसित करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए मानक विचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करवाना होगा हमें। तो ये स्थिति थी आपकी पर्यटन क्षेत्र की।